खावा था खेल लो। लेकिन अभी पिछले 10 दिन की बात करूं तो उनको 3-3, 4-4 घंटे तक 108 की सेवाएं नहीं मिल रही है। उसका रीजन ये है कि हॉस्पिटल वेट टाइम बढ़ गया है। पहले जहां हॉस्पिटल का टाइम 6 से 7 मिनट हुआ करता था, अभी 1.5-2 घंटे तक हॉस्पिटल के बाहर खड़ा रहना पड़ता है। और उसका रीजन यही है कि अभी 100 कोरोना के पेशेंट के को कहाँ पे ले जाना है, कौन सी हॉस्पिटल उसको असाइन करनी है, उसकी जिम्मेदारी 108 के पास नहीं है। वो जिनका पुर्जा बन गया वो टेस्ट हो रहा है, बना हुआ पुर्जा ले लेते एक बार जमा हो जाता, हम लोग साइड में बैठ जाते हैं, वो भी नहीं, बैठे रहो खड़े रहो। स्थिति तो अच्छी नहीं है, बहुत मरीज आ रहे हैं। पिछले बार जो हुआ था कोविड का जो, उससे ज़्यादा ही इस बार लोग आ रहे हैं। और हमको लगता है कि लोग थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे, थोड़ा ज़्यादा लापरवाह हो गए थे। तो अभी जो पेशेंट आ रहे हैं ज़्यादातर ऐसे आ रहे हैं जो तकलीफ़ में आ रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ी हुई है, जबकि पहले वाले एपिसोड में ऐसा नहीं था। कार्ड दिखाओगे हम छोड़ देंगे, मेडिकल को छूट है। आप समझ आ रहे हो क्या? हमें ये देखना होगा कि जो ये समय है, जिस समय हम तथाकथित एक छोटे लेवल पे लॉकडाउन कर रहे हैं, उस समय अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करें, उसको फैला सकें तो जितना ज़्यादा हो सके, खासतौर पे छोटी जगह में। और एक चीज़ इसका एक और भी है कि जब मेरे को लगा है कि हमारा स्वास्थ्य सेवाएँ चरमरा रही हैं, तो मैं उसको उस वहाँ पर लॉकडाउन का थोड़ा समय और बढ़ा दूँ। लॉकडाउन लग जाएगा, पहले की तरह ना फंसे, अपने घर पहुंच जा, इसलिए जा रहे जी।